हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 12 द पेडलर्स कारावान पढ़ेंगे। ये जो पोम है ये विलियम ब्राइटली रैंड्स ने लिखा है। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोम। आई विश आई लिव्ड इन अ कारावान विद अ हॉर्स टू ड्राइव लाइक अ पेडलर मैन। तो ये जो है, ये पोएट जो है वो विश कर रहा है कि आई विश कि मैं, काश मैं एक कारावान में रहता। क्या होता है कारावान? कारावान कुछ ऐसा होता है, पहले के टाइम में जो सेल्समैन होते हैं, जो बेचने के लिए लोग आते थे, वो लोग एक ऐसा बड़ा सा गाड़ी रखते थे। इसमें एक रूम जैसा होता था जहाँ वो लोग रहते थे, राइट। उनकी फैमिली होती थी, वो सामान होता था जो बेचने के लिए लेके आते थे और गाँव से गाँव जाकर बेचते थे, ठीक है। सो ये जो पोएट है वो विश करता है कि काश मैं एक कारावान में रहता जिसके आगे एक हॉर्स होता जो हमें चलाता लाइक अ पेडलर मैन। पेडलर मैन कौन होता है? सेल्समैन होता है जो जगह जगह जाकर अपनी चीज़ें बेचता है, चाहे बर्तन बेचने वाले लोग हो, राइट। ऐसे जो लोग बेचते हैं चीज़ें एक जगह से खरीद के दूसरे जगह पे, उनको पेडलर मैन कहा जाता है। वेयर ही कम्स फ्रॉम नोबडी नोज और वेयर ही गोज टू बट ऑन ही गोज। इसका मतलब ये है कि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, पर वो चला जाता है, राइट। ये जो पेडलर मैन होते हैं उनके कोई घर नहीं होते, वो लोग सिर्फ यही काम करते कि एक जगह से ख़रीदना और वो दूसरे गांव में बेचेंगे, फिर थर्ड गांव में बेचेंगे, फिर ऐसे ही वो ज़िंदगी जाती रहती है। उनका कोई घर नहीं होता, कोई एक जगह नहीं होती थी रहने के लिए, राइट। His caravan has windows too. उसकी जो caravan है उसमें windows भी होते थे। And a chimney of tin. देखो ये है chimney of tin. Tin क्या होता है? एक सिल्वरी वाइट कलर का मटीरियल होता है, मेटल जैसा होता है, जिससे ये बना हुआ होता है ताकि अगर अंदर खाना बने तो फिर उसके बाहर से धुआं जा सके। That the smoke comes through. और जहाँ से स्मोक आता है। ही हैज़ अ वाइफ विथ अ बेबी ब्राउन, और उसकी एक वाइफ भी है और उसके हाथ में एक ब्राउन बच्चा भी है, राइट। डार्क कलर का बच्चा है इसीलिए उन लोगों ने ब्राउन बोला है। एंड दे गो राइडिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन, और वो जाते हैं टाउन टू टाउन, एक टाउन में बेच के दूसरे टाउन जाते हैं, ऐसे वो लोग जाते ही रहते हैं। चेस टू मेंट एंड डेल्फ टू सेल, वो लोग का अब क्या काम करता है पेडलर? चेस मेंड करता है, जो टूटे हुए चेस होते हैं उनको ठीक करता है, राइट। डेल्फ टू सेल, डेल्फ का मतलब होता है जो अर्थ मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बेचता है। ही क्लैशेस द बेसिन्स लाइक अ बेल, और आपको पता होगा जब भी ऐसे कोई लोग बेचने आते हैं तो वो कुछ आवाज़ करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो बेचने आए हैं, राइट। तो वो उसके पास जो बेसिन है, एक बेसिन मतलब वॉश बेसिन, जैसे हमारा बोल होता है किचन में जिसमें हम हैंड वॉश करते हैं या हमारे जो यूटेंसिल्स है उसको क्लीन करते हैं, वैसा जो बेसिन है उस पर वो क्लैश करता है एक बेल जैसा, मतलब वो किसी एक लोगन की चीज़ से उस पर मारता है तो बेल जैसा आवाज़ आता है। टी ट्रेज, बास्केट्स रेंज्ड इन ऑर्डर, प्लेट्स विद द अल्फाबेट राउंड विद द बॉर्डर। तो उन क्या क्या बेचने आए हैं? टी ट्रेज, टी के लिए टी रख के सर्व करने के लिए ट्रेज, बास्केट्स, ठीक है, उनको उसने ऑर्डर में सजा के रखा है। प्लेट्स विद द अल्फाबेट एंड राउंड द बॉर्डर, वो जो प्लेट्स हैं उनमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और फिर बॉर्डर साइड में बने हुए हैं। अल्फाबेट्स कहाँ लिखे हुए? बॉर्डर में लिखे हुए और डिज़ाइंड है वो सारे। द रोड्स आर ब्राउन एंड द सी इज़ ग्रीन, ठीक है, तो जो रोड्स है वो ब्राउन है और जो सी है वो ग्रीन है। बट हिज हाउस इज़ जस्ट लाइक अ बाथिंग मशीन, उसका जो घर है वो बिल्कुल एक बाथिंग मशीन के जैसा है, उतना छोटा है। द वर्ल्ड इज़ राउंड एंड ही कैन राइड रंबल एंड स्प्लैश टू द अदर साइड, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा राउंड है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता है। रंबल एंड स्प्लैश टू द अदर साइड, स्प्लैश मतलब स्प्लैश एक टर्म यूज़ करते हैं जब पानी में कोई छपकारा
पानी से जो आवाज़ होती है, कोई चीज़ अगर हम पानी में डालते हैं या कोई गिरता है तो जो आवाज़ आती है उसे स्प्लैश कहा जाता है, और रंबल का मतलब तो रोर होता है।